अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूँ वहीद वजीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंसेस आर कंपैरिजन बिटवीन राइजोम एंड रूटम, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होती है, उनको ये मालूम नहीं होता कि राइजोम एंड रूट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये 9 डिफरेंसेस है राइजोम एंड रूट के दरमियान जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो क्या है, यानी राइजोम हम किसको कहते हैं? द एलंगेटेड हॉरिजॉन्टल थिक एंड फ्लैशी अंडरग्राउंड स्टेम इज कॉल्ड राइजोम। तो एक्चुअली राइजोम हम अंडरग्राउंड स्टेम को कहते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम क्या होता है? वो स्टेम जो कम्प्लीटली इनसाइड द सॉइल होता है, वो स्टेम जो एरियल नहीं होता, जिसका एयर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो उसको हम अंडरग्राउंड स्टेम कहते हैं। तो राइजोम क्या है? ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, लेकिन ये एलंगेटेड होता है। एलंगेटेड का मतलब कि ये लॉन्ग होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे साथ ग्राउंड सरफेस है, तो ये जो राइजोम होते हैं ये ग्राउंड सरफेस के साथ इस तरह हॉरिजॉन्टल और पैरेलल ग्रो करते हैं, और साथ साथ ये तीग होता है एंड फ्लैशी। फ्लैशी का मतलब सॉफ्ट। और रूट हम किसको कहते हैं? द सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गेन विदाउट क्लोरोफिल ग्रोइंग टुवर्ड द ग्रेविटी इज कॉल्ड रूट। तो रूट जो ये सिलेंड्रिकल लाइक प्लांट ऑर्गेन है, और ये विदाउट क्लोरोफिल होते हैं, यानी कि रूट जो है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका मतलब कि रूट जो है ये नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये याद रखे, रूट कभी भी अपने लिए खुद फूड तैयार नहीं कर सकते, और ये हमेशा ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है वो नीचे की तरफ होती है, आर्क सरफेस की तरफ होती है। तो ये जो रूट होते हैं ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं साइल में, यानी कि इन फेवर ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं, जिसको हम पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट जो ये पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म को शो करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट डिफरेंस। सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि राइजोम मोस्टली ग्रो पैरेलल आर हॉरिजॉन्टल टू ग्राउंड, जैसा कि अभी मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ ग्राउंड सरफेस है, तो ये जो राइजोम होते हैं ये ग्राउंड सरफेस के साथ इस तरह पैरेलल आर हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं। रूट्स मोस्टली ग्रो डाउनवर्ड टू ग्राउंड, इसको भी जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये इन फेवर ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं, ये नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर ग्रो करते हैं टू ग्राउंड सरफेस। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ क्या है? ग्राउंड सरफेस है, तो जो रूट होते हैं वो इस तरह डाउनवर्ड इन फेवर ऑफ ग्रेविटी ग्रो करते हैं। तो ये रहा सेकेंड डिफरेंस। थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि राइजोम आर ऑलवेज अंडरग्राउंड। राइजोम हमेशा अंडरग्राउंड होते हैं, क्योंकि पहले मैंने बताया कि अंडरग्राउंड स्टेम को हम एक्चुअली राइजोम कहते हैं, एंड रूट्स आर आल्सो अंडरग्राउंड, बट एरियल रूट्स आर आल्सो प्रेजेंट। रूट जो होते हैं ये भी अंडरग्राउंड होते हैं, लेकिन कुछ एरियल रूट्स भी प्रेजेंट है, स्पेशली जो एडवांटेशियस रूट होते हैं उसके तकरीबन 9 or 10 मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें कुछ मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो एरियल होते हैं, यानी कि एयर में लोकेटेड होते हैं। तो ये रहा थर्ड डिफरेंस। फोर्थ जो डिफरेंस है वो ये है कि राइजोम आर प्रेजेंट इन फ्यू प्लांट। राइजोम जो है ये आप लोगों को सिर्फ फ्यू प्लांट में मिलेंगे, सब प्लांट में राइजोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड रूट्स आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, और रूट जो होते हैं ये जितने भी प्लांट्स होते हैं सब में ये प्रेजेंट होते हैं। ये रहा फोर डिफरेंट। फिफ्थ जो डिफरेंट है वो ये है कि फंक्शन ऑफ राइजोम इज एंकर द प्लांट स्टोर फूड, बट
इट नेवर एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली। फर्स्ट जो फंक्शन है होराइजोम का वो यह है कि एंकर द प्लांट, ये प्लांट को साइल के साथ ग्राउंड के साथ अटैच रखती है, यानी कि वो प्लांट जिसमें राइजोम होती है उस प्लांट से अगर हम राइजोम को रिमूव कर ले, कट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये प्लांट साइल में कड़ी हो जाए। और सेकंड जो फंक्शन है वो ये है कि राइजोम जो इसमें फूड भी स्टोर होती है, और ये नोट कर ले कोई भी ऐसा राइजोम नहीं है जो वाटर को डायरेक्टली साइल से एब्जॉर्ब कर सके। तो राइजोम जो ये वाटर को साइल से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। फंक्शन ऑफ रूट टू एंकर द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, सम रूट आल्सो स्टोर फूड। फर्स्ट जो फंक्शन है रूट का वो सेम है कि ये भी क्या करती है, एंकर द प्लांट, यानी कि अगर हम किसी प्लांट से रूट को रिमूव कर ले, कट कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो साइल में कड़ी हो जाए, तो ये कड़ी रहती है रूट की वजह से। और रूट जो है ये एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल, ये वाटर एंड मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती है साइल से प्लांट के लिए। सम रूट आल्सो स्टोर फूड, बाज ऐसे रूट भी है जो फूड को भी स्टोर करती है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट जो है ये फूड को भी स्टोर करती है, और ये आप लोगों को मिलेंगे स्वीट पोटैटो में एंड एस्पेरेगस में। तो ये रहा फिफ्थ डिफरेंस। सिक्स जो डिफरेंस है वो ये है कि इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। राइजोम जो इस पर नोड्स भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरनोड्स भी प्रेजेंट होते हैं। नो नोड्स एंड इंटरनोड्स, रूट जो है इस पर आप लोगों को कभी भी नोड्स एंड इंटरनोड्स नहीं मिलेंगे। ये रहा सिक्स डिफरेंस। सेवन जो डिफरेंस है वो ये है कि नो रूट कैप। राइजोम जो है इसमें आप लोगों को रूट कैप जो है वो नहीं मिलेंगे। रूट कैप्स आर प्रेजेंट एट द टिप, ये जो रूट होते हैं इसके टिप पर या एपेक्स भी हम कहते हैं उस पर रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ एक रूट है, तो इसके टिप या एपेक्स पर इस तरह का स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है, और इसको हम कहते हैं रूट कैप। इसका फंक्शन ये है कि ये रूट जब नीचे की तरफ ग्रो करते हैं साइल में, तो रास्ते में जो पत्थर वगैरह आते हैं तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इस पर ये रूट कैप जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये रहा सेवन डिफरेंस। एट जो डिफरेंस वो ये है कि स्केल लीव्स एंड बड्स आर प्रेजेंट एट एवरी नोड ऑफ राइजोम। राइजोम के हर नोड पर बड्स जो है वो भी आप लोगों को मिलेंगे और स्केली लीव्स जो ये भी आप लोगों को मिलेंगे। लीव्स एंड बड्स आर एब्सेंट, रूट पर आप लोगों को कभी भी लीव्स एंड बड्स जो ये नहीं मिलेंगे, कभी भी ये नहीं मिलेंगे। ये रहा एट डिफरेंट। नाइन जो डिफरेंट है वो ये है कि राइजोम डिवेलप एरियल शूट आर लीव्स। ये जो राइजोम होते हैं ये थोड़े इस तरह स्वोलन होते हैं क्योंकि इसमें फूड जो है वो स्टोर होती है, तो इससे या शॉर्ट जो है वो डिवेलप हो जाते हैं एरियल शूट या लीव्स जो है वो डिवेलप हो जाते हैं एरियल लीव्स, यानी इन सम केसेस इससे शॉर्ट जो है वो डिवेलप हो जाते हैं, इन सम केसेस इससे लीव्स जो है वो डिवेलप हो जाते हैं। रूट्स नेवर बेयर लीव्स इवन दे कम टू द ग्राउंड। रूट जो है इस पर आप लोगों को कभी भी लीव्स नहीं मिलेंगे, यानी कि रूट जो इससे कभी भी लीव्स जो है वो डिवेलप नहीं होते। इवन अगर ये एरियल आ जाए ना, यानी कि ग्राउंड से बाहर आ जाए ना, फिर भी ये लीव्स को डिवेलप नहीं करते, इससे लीव्स जो है वो डिवेलप नहीं होते। राइजोम की जो एग्जांपल है वो है जिंजर, अदरक, और रूट की जो एग्जांपल है वो तो
ऑल प्लांट है, जितने भी प्लांट है इन सब में आप लोगों को रूट मिलेंगे। तो ये थे डिफरेंसेस आर कंपैरिजन बिटवीन राइजोम एंड रूट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।